हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मिस्टर सूरज। आज आपके लिए मैंने लाया हूँ एक स्पेशल डिश जो सेकंड लास्ट ब्लॉग में मोनू के लिए जो मैंने बना के दिया था उसका रेसिपी आज लाया हूँ आपके लिए। आप लोग भी देखिए वो रेसिपी को और वन बाय वन स्टेप में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और एक बात बोलना था फ्रेंड्स, दिवाली के स्पेशल डे पर ये डिश को मैंने लाया हूँ और इसको दिवाली के स्पेशल डे पे आप भी एक बार ट्राई करके देखिए अपने घर पर। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत इजी रेसिपी है और आप लोग को मुझे जितना लगता है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ये रेसिपी। सो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए, वन बाय वन स्टेप मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। फर्स्ट मैंने चिकन को बॉयल कर दिया, ये आप देख सकते हो। इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करेगा, जस्ट 5-10 मिनट्स, उसके बाद में उतार देंगे इसको। उसके लिए मैंने लिया 2 एग और यहाँ पे मेरे पास है ओनियन 1, कोरिएंडर 4 चिल्ली और गार्लिक। ऐसे तो गार्लिक नहीं डालने से भी होता है, बट मैं आज थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, टेस्ट में थोड़ा चेंज लाने के लिए। किबाब तो आप लोगों ने भी खाया होगा शायद, बट ये वाला जो किबाब है ये समथिंग एक्स्ट्रा ब्लास्ट होने वाला है और कैसा लगता है आप लोग भी ट्राई करके देखिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग का ये मीट आ गया है यहाँ पे। इसको हाफ बॉयल किया, काफ़ी है हाफ बॉयल करने से। हाफ बॉयल भी लिए 10 मिनट्स ऐसा किया। इसका फैट्स को निकाल देते हैं। अभी क्या करना है फ्रेंड्स, इसका जो बोन है बोन को अलग कर लेना है मीट से, क्योंकि बोन का जरूरत नहीं है हमें। यह हो गया हम लोग का मीट। जितना मीट आप निकाल सकते हो निकाल लेना चाहिए फ्रेंड्स, जितना पॉसिबल है। यह हो गया है मीट हम लोग का फ्रेंड्स। इसको अभी हम लोग चॉप करेगा, बढ़िया से चॉप कर लेगा अभी। जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा चॉप कर लेना है। इसको ग्राइंड भी कर सकता था बट ग्राइंड में ज़्यादा हो जाता है पीस, जो टोटली मतलब ग्राइंड हो जाता है तो वो वाला ठीक नहीं लगता है। तो इसको छोटा छोटा पीस करने से खाने में भी उतना ही मज़ा है। अभी फ्रेंड्स हम लोग ओनियन भी काट लेता हूँ। ये हो गया फ्रेंड्स कोरिएंडर, कोरिएंडर को बारीक से पीस कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग चिल्ली, चिल्ली को भी काट लेते हैं। लास्ट रह गया हम लोग का गार्लिक, गार्लिक को भी अच्छा से काट लेते हैं छोटा छोटा। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने गार्लिक भी हो गया चॉप करके, कोरिएंडर चिल्ली ओनियन सारा ले लिया और मीट तो है यहाँ पे। एंड फ्रेंड्स 500 ग्राम का मीट है तो इसमें मैं 2 एग लूँगा और आप लोग भी 2 ही एग लीजिएगा। 1 एंड 2। नमक तो आपका पर में है फ्रेंड्स, मुझे जितना चाहिए मैं लूंगा, आप लोगों को जितना चाहिए आप लोग उतना लीजिएगा। और टेस्ट को और थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए मैं ले लेता हूँ चाट मसाला भी, थोड़ा विनेगर थोड़ा सा और सोया सॉस थोड़ा सा, फूड कलर थोड़ा सा ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। एंड फ्रेंड्स अभी इसको बढ़िया से मिक्स करते हैं। इसको 10 मिनट्स तक मिक्स करना है फ्रेंड्स, ताकि जो इंग्रेडिएंट है वो कोने कोने में
चले जाएं। ये हो गया पैन हम लोग का रेडी फ्रेंड्स। इसमें हल्का सा तेल लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, इतना काफ़ी है। इसको अभी सब तरफ फैला देते हैं। बस ये हो गया है। अभी हम लोग का रेसिपी स्टार्ट। दोनों साइड अच्छा से पकाना है, एक साइड सिर्फ नहीं, ऐसा कर लेना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग का किबाब जो अंडा और मीट का है, बढ़िया से पक रहा है। इसको अभी हम लोग पलट देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको और भी पकने के लिए देंगे, अभी टाइम नहीं हुआ है। इसको दोनों साइड पकाते रहना है धीरे धीरे। एक चटनी भी तो होना ज़रूरी है ना फ्रेंड्स, तो उसके लिए ये हम लोग का पीनट की चटनी बनाएंगे। पीनट, कोरिएंडर एंड ये हम लोग का चिली, बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं देंगे इसमें। और नमक इसमें अभी हम लोग डाल देते हैं। ये हो गया हम लोग का ग्राइंडर, इसमें ये हम लोग का चिल्ली और ये हम लोग का पीनट, बस काफ़ी है। सो फ्रेंड्स, हम लोग का ये किबाब हो चुका है। इसको हम लोग अभी निकाल देंगे। ये आप देख सकते हो बढ़िया से पक चुका है। इसको अभी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग का किबाब रेडी हो गया है और ये हम लोग का पीनट चटनी विथ कोरिएंडर लीव्स। क्या का चटनी है ये? पीनट। ये है पीनट का चटनी। ओह माय गॉड, अच्छा यार, इतना सॉफ्ट है, खाने के लिए इतना अच्छा है। आप लोग भी घर में ट्राई करके खाइए फ्रेंड्स, स्पेशली स्नैक्स टाइम में खाने के लिए। आप भी खाओ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरा चटनी भी लगा लिया और ये देखिए मज़ा। कुछ भी डिश हो, कुछ भी फूड हो, टेस्ट करने के लिए सिर्फ मुझे ही करने देता है। सो बहुत टेस्टी है, थैंक यू। इतना अच्छा अच्छा इतना मज़ा मज़ा डिश बना के खिलाने के लिए, थैंक यू यार। ओके, एक टेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, चटनी लगा लेते हैं। मज़ा, बहुत मज़ा फ्रेंड्स। आप ट्राई करके देखिए घर में। दिस इज द चटनी, दिस इज़ द कटलेट एंड आई एम एन्जॉइंग। एक बार खाने से ना बार बार खाने दिल करते हैं।
इतना मजा देखिए जाल से चटनी जो और यहाँ देखो शेफ झल लग रही आप तो ज़्यादा झाल नहीं खाते ना लेकिन हमको तो जितना झाल है ना जितना झाल होगा ना उतना ही अच्छा लगता है आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरी वन ऑफ यू आप लोग भी घर में जाके जरूर ट्राई कीजिए बहुत इजी है बनाने के लिए भी और खाने के लिए तो माय गॉड इतना टेस्टी है चलो लास्ट बाइट एंड एक का किबाब है जो कॉम्बो है दोनों का वो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स ये दिवाली का स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड एंड बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर दिवाली थैंक यू फ्रेंड्स